Well, it's very nice to be here for Samta Foundation, and Richa had called me. You can come here, Richa. So it's I think a great platform जहाँ उन्होंने जो पालघर से आर्ट है, जो क्राफ्ट्समैन है, जो आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ पर लेकर आई हैं और वार्ली जैसी पेंटिंग्स हैं, कोई पेपर मैश से कुछ बना रहे हैं, कोई बैम्बू से कुछ बना रहे हैं एंड कुछ लकड़ी से कुछ बना रहे हैं. सो I think it's a great platform where all these people have come here, or I'm thankful that she's called me here. So it's very nice to be here to witness this. And Warli तो हम लोग को बहुत ही पसंद था, but आज थोड़ा ज़्यादा in depth देख रहे हैं कि Warli आर्ट क्या है. अच्छा, ये वाली पेंटिंग कितने घंटे में बनती है? ये वाली अभी मैं पूछ ही रहा था, तो ये सिल्क पे बनी है, कहते हैं 2-3 दिन लगते हैं. मैंने कहा यार 2-3 दिन तो लग जाते हैं, मैंने कहा लेकिन ये छोटी वाली कहते हैं 1 घंटे में बना लेते हैं. ऐसे दैट्स सो नाइस, इट्स अमेजिंग कि 1 घंटे में आप ये इतनी सी भी पेंटिंग इंट्रिकेट वर्क के साथ बना लेते हो. I think, and they're just farmers. They're not कि they're doing this for their livelihood. So apart from that, they have this talent, which is amazing. So it's great to meet them personally today, and more people should come forward to support them. I think that will be very nice. And apart from that, Samta Foundation does a lot for people out there in Palghar, from physical aids like cataract or malnutrition, or helping family plannings and stuff like that. So it's amazing. She's doing a great job. तो ये एक्चुअली ये वहाँ पे मेरा आर्ट शो भी है पालघर पर्सपेक्टिव्स. मैंने पालघर के लेडीज़ और उनकी लाइफ से इंस्पायर होकर मैंने पेंटिंग्स बनाई है, और उसके ज़रिए से मैंने यहाँ के पालघर के कुछ आर्टिस्ट को बुला के उनका भी प्रदर्शित किया है. वी आर ट्राइंग टू समता, थ्रू समता फाउंडेशन वी आर सपोर्टिंग देम. एज करण सेड कि बहुत सुंदर उन्होंने वार्ली आर्ट बनाई है. वार्ली एक पालघर की ट्राइब है जो ये आर्ट करते हैं अपने घरों के दीवारों पे, अपने ज़मीनों पे. तो गोबर पोत के उस पर पेंट करते हैं, राइस पाउडर से पेंट बनाते हैं नेचुरल चीज़ों से. यहाँ पे उन्होंने कैनवस पे किया है, पोस्टर पेंट यूज़ किया है, और पूरी लाइफ उन्होंने एक छोटे से कैनवस पे दिखाई है. उनकी जो डेली लाइफ है, या फार्मिंग सीन है, या कोई फेस्टिविटीज़ है, वो सब वार्ली के थ्रू छोटी छोटी जो इंट्रिकेट डिज़ाइन है. फिर हमारे यहाँ क्राफ्ट्समैन भी है, जैसे उन्होंने मेंशन किया पेपर मैशे से बनाया है, बैम्बू से, लकड़ियों से उन्होंने आर्टिफैक्ट्स बनाया है. सो थ्रू दिस एग्जिबिशन पालघर पर्सपेक्टिव्स, आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट वे. लाइक मेरा ये फर्स्ट सोलो आर्ट शो है. मुझे बचपन से पेंटिंग का शौक रहा है, सो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट इन एवरी वनस लाइफ. सो कोई गाना गाता है, कोई कलाकार हैं हमारे यहाँ बड़े, कोई टीवी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं. मेरा इच्छा थी कि मैं मेरा जो छोटी सी कला है मैं भी करूं, दिखाऊं लोगों को, एंड ये जो आर्टिस्ट आए हैं उनकी भी लोग सब देखें और इनकरेज करें उनको. थैंक यू. जी जी. देखिए, बाकियों के लिए तो मैं कह नहीं सकता, बिकॉज़ हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, लाइफ का एक टाइम होता है, कोई बिज़ी है, कोई क्या है. देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कोई अपनी चीज़ों में बिज़ी होता ही है, चाहे वो काम करने में हो, चाहे मसरूफ़ हो, चाहे घर के कामों में हो, चाहे कैसे भी हो. बट हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए शायद आपको बाहर निकलना चाहिए, कभी सोचना चाहिए, कभी दूसरों के बारे में सोचना चाहिए. आई थिंक समवे यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी जहाँ आप लोग हैं भी. तो एक अलग अलग तरीके हैं ये सब चीज़ें करने के लिए. ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको आके वो दिखाने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं. ये नहीं है कि मैं आज ये कर रहा हूँ. मुझे करीबन 14 साल हो गए. जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी कर रहे थे, चुपचाप भी कर रहे थे, करते रहते हैं. और मोस्टली ये ज़्यादातर जो इंस्पिरेशन आई है वो निशा से ही आई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज एनिमल एक्टिविस्ट से लेके पता नहीं क्या क्या वो करती थी. मतलब 14 साल पहले वो चलती गाड़ी से कूद जाती थी बाहर एक एनिमल को बचाने के लिए. आई बी लाइक कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या कर रही है लड़की. सो आई वुड बी शॉक्ड कि ऐसा भी कोई कर सकता है. सो एक थॉट पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज हुआ. संगत का असर भी होता है. कभी कुछ पिजन्स को हुआ, कभी कुछ एनिमल्स को हुआ. शी विल ऑलवेज, उस गाड़ी में एक टोकरी हमेशा होती है सालों से. फिर ऐसा कुछ माहौल हो गया कि सेट पे जब मैं काम किया करता था रिश्ता के टाइम पे, मैंने कुत्तों को भी स्टेरलाइज करवाया, मैंने कोई बिल्ली को रेस्क्यू किया, मैंने किसी सांप को आया तो मैंने उसको वाइल्ड लाइफ को बुलाया. तो ऐसा हो जाता है. सो आई ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग लाइक दैट, एंड एक नेचुरल प्रोसेस होता है. एंड काफ़ी चीज़ें ऐसे कि कहीं हेल्प किया, कभी कुछ है, कभी आपने यूनिसेफ आपने वर्ल्ड विजन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया, पीटा के साथ काम किया, तो ये सब चीज़ें हमने करी हैं. सो वी हैव जस्ट बीन इन दैट स्पेस आई थिंक. एंड इवन टुडे, कल भी हम लोग कहीं गए हुए थे. आई वाज जस्ट टेलिंग हर टुडे आल्सो आई एम हियर फॉर हर. सो ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग आते रहते हैं, करते रहते हैं, जेन्युइनली करते हैं. सो इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. कभी बीच क्लीन अप कर रहे हैं, कभी एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी इश्यूज, चाहे आप एक चीज़ को पकड़ के भी कर लें. आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस एंड पीपल इन आवर पोजीशन हु कैन मेक अ डिफरेंस. आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में इन्फ्लुएंसर्स जो कहलाते हैं, सो लेट्स यूज़ दैट पावर आई थिंक इन द राइट वे विल बी नाइस. इट्स लेट्स नॉट जस्ट कीप posting products, let's just do something also which helps people other than us, so it will be nice.